आज के समय में इस्कॉन के हजारों से ज़्यादा सेंटर्स और लाखों की संख्या में इससे जुड़े लोग हैं, और इतना सब कुछ होने के बावजूद भी इस्कॉन फाउंडर आचार्य ऐसे भक्ति विराम स्वामी श्रील प्रभुपाद जी, वे कहते हैं कि उनका 50% कार्य बाकी है और वहाँ 50% कार्य है कृषि समुदाय की स्थापना करना। सो प्रभुपाद जी की इसी इच्छा को देखते हुए प्रभुपाद जी के ही शिष्य परम पूज्य भक्ति विकास स्वामी महाराज के मार्ग निर्देशन में मध्य प्रदेश में एक गांव की स्थापना की गई है। इस गांव का नाम भक्तिग्राम है। तो अभी हम 2-3 दिन के लिए भक्तिग्राम घूमने आए हैं। इस बीच हम देखेंगे भक्तिग्राम कैसा है और यहां पर का कैसा क्या वातावरण है। तो अभी हम भोपाल से कल्हार स्टेशन पर आ चुके हैं और अभी हम यहीं पर से भक्तिग्राम के लिए जाएंगे। कल्हार स्टेशन से भक्तिग्राम बहुत ही नज़दीक है। सो अभी कुछ ही देर में यहाँ पर ट्रैक्टर के जरिए अभी सभी भक्त भक्तिग्राम के लिए जाएंगे। पीछे बैग दिख रही है, उधर से भी बोलिए ना, उसको भी देख रहे हैं। हमें तो इधर जितना दिख रहा है दिखे। कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। तो अभी हम ट्रैक्टर से उतर गए हैं सभी लोग, और अभी यहाँ पर भक्तिग्राम जहाँ पर है अभी वहाँ पर आ गए हैं, और यहाँ पर कुछ मकान बन रहे हैं। जैसे कि अभी आप यहाँ पर देख रहे होंगे, यहाँ पर मिट्टी और पत्थरों से मकान बन रहे हैं, और यहाँ पर कुछ अभी मकान बन चुके हैं लेकिन अभी उसमें कुछ थोड़ा थोड़ा काम बाकी है। तो अभी आप आगे देखेंगे कुछ माता यहाँ पर मकान में और जो भी काम बाकी है उसको कम्प्लीट कर रही है। और अभी आप ये जो मकान देख रहे हैं आगे 3, तो ये मकान पूरे कम्प्लीट हो चुके हैं। और आसपास का कुछ ऐसा नज़ारा है, चारों तरफ पूरी हरियाली है, चारों तरफ पूरी फसल लगी हुई है। तो अभी हम जहाँ पर मकान बन चुके हैं अभी हम उसके थोड़े नज़दीक जाएंगे। अभी ये मकान लगभग कंप्लीट हो चुका है लेकिन अभी इसमें लिपाई का काम चालू है। तो अभी यहाँ पर लिपाई का काम चल रहा है और यहाँ पर अभी कुछ माता यहाँ पर इसका लिपाई का काम कर रही है। हम इसके बाद आगे जाते हैं तो हमें यहाँ पर जो मकान कंप्लीट हो चुके हैं उन्हें देखने को मिलता है। तो अभी आप ये देख रहे हैं ये मकान कंप्लीट हो चुके हैं। तो अभी आप यहाँ पर देख रहे होंगे यहाँ पर दीवारों पे झाड़ियाँ चिपकाई है। तो प्रभु जी से इन झाड़ियों के बारे में पूछा था तो प्रभु जी ने बताया था ये झाड़ियाँ दीवार को सुरक्षित करने के लिए लगाई है। जैसे अगर बारिश होगी तो बारिश का पानी दीवार पे ना पड़े, तो इस वजह से यहाँ पर झाड़ियाँ लगाई है। और मकान के पास ही यहाँ पर छोटे छोटे आसपास यहाँ पर सब्जियाँ लगाई है। अभी हम देखेंगे आगे। हरे कृष्णा। यहाँ पर हमारे इस्कॉन भोपाल से जो भी भक्त आए थे यहाँ पर अभी थोड़ा रेस्ट कर रहे हैं। यहाँ पर हमारे बैग रखे हैं और ये मकान बहुत ही सुंदर लग रहा है क्योंकि यहाँ पर डबल स्टोरी का है। अभी तक के हमने यहाँ पर जो मकान बने हैं उनको बाहर से ही देखा है। तो अभी हम अंदर जाने वाले हैं मकान के अंदर। तो अभी हम सबसे पहले जो मकान में जाएंगे वो इस मकान में जाएंगे और यहाँ पर ही हमारे रुकने की व्यवस्था की गई है। हम जो इस्कॉन भोपाल बेस से जो स्टूडेंट आए हैं यहाँ पे, सो उनकी इसी मकान में रुकने की व्यवस्था की गई है। और अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं ये मकान पूरे मिट्टी और फर्श से बने हुए हैं।
यहाँ पर सभी दीवारों पे लगभग यहाँ पर पेंटिंग और डिजाइन देखने को मिलती है, जैसे कि अभी यहाँ पर डिजाइन करी है। और यहाँ दूसरी दीवार पर यहाँ पर हाथी, शायद ऊपर राजा है और यहाँ पर पेड़, सो इसकी यहाँ पर ड्राइंग बनी है। ये दीवार ऐसी है कि इस पे आप ड्राइंग बना सकते हैं, मिटा सकते हैं, फिर ड्राइंग बना सकते हैं। सो आपको जब जब इच्छा हो आप अपनी मनपसंद की यहाँ पर ड्राइंग बना सकते हैं। तो अभी हम कमरे में जाएंगे और पहले ही कमरे में यहाँ पर अल्टर है। अभी हम सबसे पहले यहाँ पर श्री श्री राधा श्याम सुंदर जी को प्रणाम करेंगे। सो ये यहाँ पर का अल्टर है। अल्टर पूरा लकड़ियों का बना है और जैसे अभी आप ऊपर से नीचे इसको देख सकते हैं, बहुत ही सुंदर अल्टर है। और अल्टर के बाजू में ही यहाँ पर लाइब्रेरी है जहाँ पर कुछ बुक्स रखी है। तो यहाँ पे जो प्रभु जी और माताएं रहते होंगे वो टाइम टू टाइम यहाँ पर बुक पढ़ते होंगे। सो ये बुक है यहाँ पे भागवतम और भी छोटी छोटी पुस्तकें। और यहाँ पर पहले रूम में यहाँ पर खिड़कियाँ भी है जिससे अंदर प्रकाश आ जाता है। सो इस रूम में यानी कि लाइट की भी जरूरत नहीं पड़ती है। और जैसे कि आपको पता होगा कि भक्ति ग्राम में जितने भी मकान है इनमें लाइट का यूज नहीं किया जाता है। और यहाँ पर मकानों की यहाँ पर दीवारें हैं जो कि गोबर से लिपी हुई है। और यहाँ पर बहुत ही सुंदर भगवान की यहाँ पर फोटोज भी लगाई गई है जिससे कि भगवान का स्मरण होते रहे। तो कुछ इस तरीके से ये रूम है। तो अभी हम रूम के बाहर जाएंगे। तो अभी मैं रूम से निकल गया हूँ जहाँ पर भगवान के अल्टर थे। तो उसके बाद यह रूम पड़ता है। ये रूम पूरा खुला खुला है और इस रूम में कोई भी जो काम जैसे सब्जी काटना हो गया या फिर और कोई भी काम जो घर पे करना रहता है, सो मैंने देखा है कि इसी रूम में करते हैं क्योंकि ये खुला खुला भी है और ये गली है। और जैसे जो पक्के मकान होते हैं उनमें लॉफ्टर होते हैं, सो उसी तरह से यहाँ पर इसमें भी ये जो मकान है इनमें भी लॉफ्टर बनाए हैं। और ये जो लॉफ्टर बनाए हैं ये भी लकड़ी और जो फर्श है इसके ऊपर ही बनाए हैं। तो एक प्रकार से जो लकड़ियां हैं इन्हीं के ऊपर ये पूरा मकान बना हुआ है। सो भक्ति ग्राम में कुछ जो प्रभु जी हैं वे मिट्टी का तिलक भी लगाते हैं और ये वो वाली मिट्टी होती है आपने देखा होगा जो चींटी होती है, तो चींटी अपना घर बनाती है, सो उसी मिट्टी का यहाँ पर तिलक लगाया जाता है। भक्ति ग्राम में प्रयास करते हैं कि जितने भी जो भी आसपास की जो चीज़ें हैं उसी का उपयोग करके अपने जीवन यापन करें तो हमें उसकी यहाँ पर झलक मिल जाती है। जैसे अभी आपने देखा यहाँ पर जो तिलक भी लगाते हैं वो मिट्टी का तिलक लगाते हैं। और ये रूम का यानी कि मकान का बेक एरिया है और यहाँ पर तुलसी महारानी है और यहाँ पर ही फूल भी है बेक एरिया में। तो अभी आप यहाँ पर दीवार को अच्छे से देखे होंगे कि जो पिलर बने हैं और जो दीवारें बनी है वो कैसी बनी है। तो अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं ये फर्श है जो मोटी मोटी है और इसके बीच में यहाँ पर मिट्टी है और आजू बाजू से भी यहाँ पर बड़ी फर्श लगी है। तो प्रभु जी ने बताया था कि ये जो दीवारें हैं ये बहुत ही मजबूत है। और यहाँ पर हमारे एक प्रभु जी जो कि अभी पानी भर रहे हैं हेडपंप से। सो अभी आप यहाँ पर नज़दीक से देख सकते हैं ये फर्श है। सो ये फर्श को ही आधी जमीन में गाड़ के यहाँ पर बाउंड्री बना दी गई है। सो भक्ति ग्राम में जो मकान है उनका ये बेकरिया है। यहाँ पर जो भी मकान है वहाँ सब में हेडपंप लगे हुए हैं और हेडपंप में यहाँ पर बर्तन की धुलाई हो गया या फिर स्नान करना हो गया, सो उसका जो भी पानी निकलता है तो उसके लिए यहाँ पर सब्जियाँ भी लगा दी है। अभी हम थोड़ा नज़दीक जाके देखेंगे। सो अभी यहाँ पर जो बर्तन क्लीनिंग का जो पानी निकलता है सो उसको देख के यहाँ पर आसपास यहाँ पर सब्जियाँ और फूल लगा दिए हैं। सो अभी आप यहाँ पर देख रहे होंगे ये पानी निकल रहा है और यहीं पर सब्जियाँ हो रही है। तो ये भी ये जो सब्जियाँ है इसको अलग से यानी कि सिंचाई के लिए पानी की ज़रूरत नहीं है क्योंकि जो पानी का वेस्टेज निकल रहा है उसी से सब्जियाँ हो रही है। और अभी आप देखेंगे आगे, जैसे अभी आप यहाँ पर मेथी देख सकते हैं, ये मेथी है और ये राई के पेड़ है। और यहाँ पर अभी केले के पेड़ भी लगाए हैं लेकिन अभी छोटे छोटे केले के पेड़।
ये शायद पालक है। और ये सेम का पेड़ है। और ये भी यानी कि जो पानी का वेस्टेज निकल रहा है उसी से सब्जियां लगी है। और यहाँ पर पालक और ये धनिया है। इसके आगे यहाँ पर मिर्ची का पेड़ है। तो अभी आप यहाँ पर देख रहे हैं ये मिर्ची के पेड़ है और इनमें मिर्ची भी लग चुकी है। तो इन सब चीज़ को देखने के बाद ऐसा लगता है कि भक्ति ग्राम में जो भी चीज़ होती है उसका रीयूज हो जाता है। जैसे यहाँ पर पानी वेस्टेज निकल रहा है तो उससे सब्जियाँ हो गई। और अभी आप यहाँ देख रहे होंगे यही सब्जियों को अगर हम मार्केट में लेने जाते हैं तो हमें 50 से 60 रुपये किलो मिलती है, लेकिन यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट हो रही है। और इसके लिए कुछ ज़्यादा देखभाल करने की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया ये जो पानी वेस्ट निकल रहा है उसी से सब्जियाँ हो रही है। अब हम इस दूसरे मकान में, जो कि अभी आप सामने देख रहे होंगे डबल स्टोरी के मकान में, इस सुंदर से मकान में अभी हम जाने वाले हैं। और अभी देखेंगे अंदर कैसे क्या यह मकान बना है और ऊपर जाने की कैसी क्या व्यवस्था है। सो अभी हम मकान में प्रवेश कर रहे हैं। और ये सीढ़ियां है यहाँ पर मकान की। और अभी हम इस मकान के फर्स्ट फ्लोर पर है और यहाँ से कुछ ऐसा नज़ारा दिखता है। तुलसी महारानी अंदर से मकान कुछ ऐसा है। और यहाँ पर खिड़कियां भी हैं। सो ये जो खिड़कियां हैं इसके वजह से इन मकानों में लाइट की आवश्यकता नहीं पड़ती है। यहाँ पर काम चालू है तो उसके लिए यहाँ पर सामान रखा हुआ है। तो अभी हम तीसरे मकान में जाने वाले हैं। तो आपने जो फर्स्ट जो मकान देखा होगा उसी के जैसा तीसरा मकान भी है, लेकिन वहाँ पर हमारे साथ जो भक्त आए हैं वहाँ पर वे कुकिंग की और बर्तन क्लीनिंग की सेवा कर रहे हैं। तो अभी हम तीसरे मकान में भी जाएंगे। हरे कृष्णा। अभी हम भक्ति ग्राम के तीसरे मकान में आ गए हैं और यहाँ पर जो भी हमारे साथ भक्त आए हैं वो यहाँ पर सेवा कर रहे हैं। और अभी यहाँ पर प्रभु जी यहाँ पर कुकिंग कर रहे हैं, जो कि कुकिंग हो रही है चूल्हे पे। हरे कृष्णा प्रभु। सो चूल्हे पे जो कुकिंग होती है उसका टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है। और अभी हमने यहाँ पर प्रसाद लिया तो प्रसाद बहुत ही टेस्टी था। प्रभु जी क्या बन रहा है? भगवान के लिए भोग बनाया जा रहा है, गाजर का हलवा। तो यहाँ पर प्रभु जी गाजर का हलवे की कुकिंग कर रहे हैं। सो यहाँ पर जितने भी मकान हैं वो लगभग सेम ही हैं और एक ही जैसे बने हैं। और यहाँ पर कुछ प्रभु जी यहाँ पे बर्तन की सेवा कर रहे हैं। और अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं सामने भक्ति ग्राम के खेत। सो आप ये जो देख रहे हैं ये पूरा जो खेत है ये भक्ति ग्राम में जो प्रभु जी रहते हैं उन्हीं के द्वारा यहाँ पर इनमें फसल की गई है। और यहाँ पर कुछ गोभी भी लगाई है, ये पत्ता गोभी। और ये जो फसल है ये गेहूं की फसल है। तो कुछ इस तरीके से भक्ति ग्राम में मकान बने हुए हैं। भक्ति ग्राम में अभी 3-4 गृहस्थ फैमिलियां रहती हैं और यहाँ पर कुछ ब्रह्मचारी भी प्रभु जी रहते हैं। सो अभी आप ये जो मकान देख रहे हैं सामने, इन मकानों में ब्रह्मचारी रहते हैं। और ये जो मकान है यहाँ पे जो गृहस्थ फैमिली है उनके लिए मकान बनाए हुए हैं। सो अभी यहाँ पर नर्मदा प्रभु जी हमें और भी इस भक्ति ग्राम के बारे में बहुत अच्छे से डिटेल्स में बताएंगे, जो भी जानकारी बताएंगे। सो वो जानकारी आपको इस व्लॉग में नहीं मिलेंगी क्योंकि यह व्लॉग बहुत ही लंबा हो जाएगा। सो नर्मदा प्रभु जी भक्ति ग्राम के बारे में जो भी चीज़ें बताएंगे उसके विषय में एक अलग से वीडियोस बनेगा। तो उस वीडियो में आप भक्ति ग्राम के बारे में और यहाँ पर कैसे रह रहे हैं, यहाँ पर खेती कैसी हो रही है और इसका क्या उद्देश्य है, सो इसके बारे में आपको उस वीडियो में देखने को मिलेगा। सो अगर आप पहली बार उद्देश्य अमृत यूट्यूब चैनल में आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं जिससे आपको आने वाले वीडियोज़ की अपडेट मिलती रहें।